सुलभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सिर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत है, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ से दुर्लभ रहा है समाधि धारण। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आरिका संघ की। सर्कस में तो संभव है, सर्कस में संभव है बहुत सारे लोगों के बीच में एक पहिए वाली साइकिल चलाना। देखा भी होगा आप लोगों ने, सर्कस में छोटी छोटी बच्ची आ जाती हैं, साइकिल पे एक ही चक्का रहता है, उसी चक्के में बैलेंस होकर के 20 फीट ऊपर खंबे पर बैठ जाती हैं, रुक भी जाती हैं, चला भी लेती हैं, करतब भी दिखा लेती हैं, और मुस्कुराते हुए सबको अभिवादन करते हुए चली भी जाती हैं। सर्कस में संभव है लेकिन हकीकत पे नहीं। रोड में अगर किसी से बोलो कि एक पहिए वाली साइकिल से यहां से अपने गंतव्य तक पहुंच जाओ, तो वो बोलेगा भैया माफ करो, वो जो काम रात के अंधेरे में लाइट की चकाचौंध में सबके सामने सर्कस में हो सकता है, वो हकीकत में कहाँ हो सकता है? हकीकत में नहीं हो सकता। हकीकत में अपने गंतव्य तक पहुंचना हो तो चार चक्के वाली मोटर लगती है, चार चक्के में से एक चक्का थोड़ा सा भी स्पीड में चलते चलते एलाइनमेंट बिगड़ भी जाए, ज्यादा दूर की बात नहीं होती, 50-70-100 किलोमीटर आदमी चलता है, धीरे से एक चक्का फूट जाता है और पूरी की पूरी रिम को तोड़ करके कई बार तो गाड़ी से बाहर निकल जाता है। पहली बार नई गाड़ी खरीदो तो पूछने में आता है कि भैया हमने नई गाड़ी खरीदी थी, ये चक्का कैसे फूट गया? बस बताना पड़ता है, विशेषज्ञ बताते हैं कि गाड़ी में चक्के का जो एलाइनमेंट होता है, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपने कभी महसूस किया होगा सीधे चलाने के बावजूद आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा 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 चक्का अपना जो वो स्टैंड होता है चलाने वाला वो घुमाते रहते हैं, आप चक्के का बैलेंस बना रहे सीधे रास्ते में भी तो भी हाथ चलाना पड़ता है। एलाइनमेंट खराब हुआ कि एक चक्का फूट गया, सामने वाले को समझ में नहीं आया, बाद में जब पता चलता है तो सबसे पहले चारों चक्कों का एलाइनमेंट प्रॉपर बना के चलता है और टाइम टाइम पे चेक करता रहता है कि एलाइनमेंट सही है कि नहीं। लंबे सफर में निकलो तो कभी भी एक चक्के की गाड़ी से चल नहीं सकते। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात बरसों से लोग बैठाते चले आए हैं। जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, भावों से सब कुछ होता है, भाव ही सब कुछ करते हैं, भाव से ही पुण्य, भाव से ही पाप होता है। लेकिन हकीकत में एक चक्के की गाड़ी से कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिए। जब भी किसी भी कर्म का उदय होता है, किसी भी कर्म की उदीर्णा करानी होती है, किसी भी कर्म को नष्ट करना होता है, आचार्यों ने सूत्र दिखा,
आचार्यों ने कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त वसात कर्मण फल प्राप्ति ही हृदय। चार चके दिए, द्रव्य का चका दिया, क्षेत्र का, काल का और भाव का। ये चार निमित्त जब तक नहीं मिलते तब तक ना किसी की साता उदय में आती है ना असाता उदय में आती है। आज गुरुदेव हम सबके बीच में नहीं है, हमको लगता है बहुत बड़े सूरमा हो गए हम, भावों में रख करके गुरुदेव को जी लेंगे। जिनको लगता है कि हम गुरुदेव की याद करके अपने महाव्रतों का पालन कर लेंगे, वो लोग भी भ्रम में हैं। वे सारे के सारे लोग भ्रम में हैं। एक चक्के की सर्कस तो कर सकते हैं आप, लेकिन ऑन रोड जब आपको गाड़ी चलानी होती है आपको चार चक्के तो चाहिए ही पड़ते हैं। द्रव्य से भी गुरु चाहिए, क्षेत्र से भी गुरु चाहिए, काल में भी गुरु चाहिए और भावों में भी गुरु चाहिए। तब जाकर के आपके शुभ कर्मों का बंद भी होगा और अशुभ कर्मों की निर्जरा भी होगी। शासन कहता है ये बात। आपको लगे कि अब हमारा कोई गुरु नहीं है, आपको लगे कि अब हमें किसी को अपना गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, हम स्वतंत्र जी लेंगे, वे सारे के सारे लोगों की दृष्टि में थोड़ी सी मलिनता है। उनको भी ये बात समझनी है कि अगर कितना भी महान योद्धा क्यों ना बन गया हो, बरसों तक आराधना तप शक्ति से कर ली हो, प्रभावक भी क्यों ना हो, लेकिन उसके भी साता और असाता का उदय चलता रहता है। उस साता साता के उदय में, उस साता का उदय बना रहे, हमारा प्रसन्न भाव बना रहे, हमारा संवेग भाव बना रहे, हमारी ऊर्जा बनी रहे, हमारा उत्साह बना रहे, हमारे मन के अंदर अनासक्ति का भाव बना रहे, हमारे मन के अंदर वैराग्य बना रहे और हम ये सोचे कि गुरु के बिना बना रहे। ऐसा होता है क्या? कहीं हुआ है क्या? जब आज तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। फिर आवश्यकता है, गुरु कहां से मिटे? तो देखो ना, वे चार जो निमित्त हैं, उन चार निमित्तों में से गुरु का वो द्रव्य शरीर चला गया। एक द्रव्य भी, शरीर भी एक निमित्त है ना, हमारे कर्म की उदीर्णा उदय कराने में, पुण्य का बंद कराने में। बोलते हैं ना भाव पूजा भाव वंदना, द्रव्य पूजा द्रव्य वंदना भी होती है। द्रव्य से भी पूजा होती है और भाव से भी होती है। तो गुरु का अवतारी शरीर का द्रव्य चला गया, गुरु क्षेत्र से भी चले गए, गुरु अब इस काल में भी नहीं है। अब कहां बचे गुरु? भाव में। भाव में गुरु है? अरे याद करके देखो, अपने अंदर पूछो, भाव में कौन कौन बैठा है। अपने आत्मा से पूछना, आत्मा अंदर से जवाब देगी कि भाव में गुरु तो हमने कब का छोड़ दिया। बोले भाव में तो, क्योंकि भाव ही एक ऐसी चीज होती है जहां पर गुरु है कि नहीं दिखाई नहीं देते। तन मन धन सब अर्पित हैं, ये सब कहने की बातें हैं। जब मुश्किल घड़ियां आती हैं सहने की, तब सब छूट जाता है बंधु। अंदर ही अंदर अपने आप को भी महसूस करना पड़ता है। मैं तो महसूस कर रहा हूं और जो महसूस कर रहा हूं उसी बातों को आपके बीच में कह रहा हूं कि सर्कस में तो एक साइकिल वाला करिश्मा दिखाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जब तक चार चके न हो तब तक जैसे गाड़ी नहीं चलती, ऐसे ही मोक्ष मार्ग की गाड़ियां भी बिना द्रव्य के गुरु के, क्षेत्र के गुरु से, काल के गुरु से और भाव के गुरु के बिना किसी मोक्ष मार्गी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता नहीं। मतलब आज भी महाराज जी आपको आवश्यकता है, बिल्कुल आज भी एक नए आचार्य परमेष्टि की आवश्यकता इसलिए है कि उनको सिंहासन पर बैठा करके, उनकी द्रव्य की पूजा करके हम अपने भाव में पूजा का स्थान, पूजा का के तरीके बना सके। हम उनको क्षेत्रों की दृष्टि से, इस बात का हमको अभी फिर एहसास अपने जीवन में, जीव के अंदर पैदा करना है कि हमारे आचार्य परमेष्टि अभी डोंगरगढ़ में विराजमान है। वे हमारे आचार्य परमेष्टि धीरे धीरे अपना संघ लेकर के कुंडलपुर की ओर आ रहे हैं। हमको अपने आचार्य परमेष्टि के कुंडलपुर में जाकर के फिर से द्रव्य के दर्शन करने हैं,
द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है तो बात तो झूठी नहीं कही ना। आचार्यों ने ऐसा तो नहीं है कि अपने मतलब के लिए कुछ लिखा हो, उन्होंने हमारे मतलब के लिए बहुत कुछ लिखा है। कई बार बड़ों की गलतियां छोटों के सुख का मार्ग बन जाती हैं, कई बार बड़ों की गलतियां छोटों के लिए एक राजमार्ग खोलती हैं जिनसे छोटे बहुत आसानी से चले आते हैं। बड़े भी गलती करते हैं महाराज, करते हैं ना बड़े गलती। देखिए ना, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के पश्चात जब गौतम स्वामी के बाद जम्बू स्वामी, श्रीधर केवली आदि आराती परंपरागत केवलियों की, अनुबद्ध और अननुबद्ध केवलियों की परंपरा चली, उसके बाद और भी आराती आचार्यों की परंपरा चली, तब श्रुत का लेखन नहीं हुआ। लोग एक गुरु बोलते थे, महाराज सुनते थे, उनको याद हो जाता था एक एक शब्द। कितना गजब का है, द्वादशांग 14 पूर्व का पूरा का पूरा भाव, पूरे के पूरे शब्द सिर्फ ओरल यहां से वहां ट्रांसफर होते थे। हमने कहा, आपने सुना और आपको याद हो गया। एक पूर्व के बारे में किसी विद्वान ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक पूर्व में कितना कितना होता है एक पूर्व। उन विद्वानों ने कहा कि एक हाथी के वजन की स्याही से जितना लिखा जाता है उसमें एक पूर्व होता है। ऐसे ऐसे 14 पूर्व और द्वादशांग को ओरली सुनकर के याद कर लेना, कितनी क्षमता रही होगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कोई शब्द साधु के दिमाग से विस्मृत हो गया, एक छोटी सी गलती हो गई, एक शब्द भूल गए। उसी दिन निश्चित कर लिया कि आगे अगर लिखेंगे नहीं तो ये परंपराएं नहीं चलेंगी। तो आगत परंपरा से जो श्रुत का प्रवाह चल रहा था, महापुरुषों की एक छोटी सी गलती थी, एक शब्द भूल जाना, उसी दिन से राजमार्ग खुला। अब आगम लिपिबद्ध होगा और लिपिबद्ध आगम हमारे हाथ पर आने पर हमारा ये सौभाग्य बना कि आज हमें कुछ भी चीज खोजनी है तो हम किसी के पास जाकर के नहीं पूछते, या तो गुरु के पास जाकर के गुरुदेव से पूछते हैं, या फिर आगम में खोल के देखते हैं कि बताइए मेरे साता कर्म के उदय में क्या क्या चाहिए मुझे। अगर साता के उदय में गुरु चाहिए तो गुरु भी कैसा चाहिए, भावों वाला, अंदर में है वही गुरु जो आपके भावों में बहुत सुंदर और साफ छवि लेकर के बैठा है, और जब बाहर आकर के एक डांट लगाए तो गुरु के संग छोड़ने की इच्छा हो जाती है, अब नहीं रहना इस संग में। क्यों? क्योंकि बहुत तेज डांटा गुरुदेव ने, क्या सोचते थे आपके बारे में, आपने इतनी तेज सबके सामने डांट दिया। ऐसी डांटे तो हम लोगों ने कई बार खाई। आचार्य सी जी ने ईरापद भक्ति में खड़ा करके ऐसा उतारा हमको, हम देखते रह गए। उसके बाद भी अंतर मन से कभी ये भाव पैदा नहीं हुआ कि गुरुदेव को छोड़ना है, क्योंकि मैंने देखा मुझको तो बहुत बाद में उतारा, मुझसे पहले भी कई साधुओं को सबके सामने, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े होकर के सबके सामने जब अपमान होता है तब बहुत बुरा लगता था, लेकिन किसी साधु की इच्छा गुरु को छोड़ने की नहीं हुई। गुरुदेव से जब आज उतारा, शाम को उन्होंने जब बुला लिया प्यार से, जाओ उससे बोलो हम बुला रहे हैं, अंदर आए तो मुस्कुरा करके बोलते हैं, हाँ बहुत दिन से भैया भक्ति नहीं करी, थोड़ी भैया भक्ति कर लो। वो पुचकार वो मार दोनों देखी गुरुदेव की, और उनसे एक बार जब वो बहुत प्रसन्न माहौल में थे तो पूछ ही लिया कि आप सबके सामने इतना तेज डांटते हैं तो लगता है कि कूद करके समाधि ले लें, लेकिन जब आप पुचकारते हैं तब ऐसा लगता है कि आपके साथ जीना है। तब आचार्य सी जी ने एक उदाहरण दिया, आज भी दिमाग पर है मेरे। आचार्य सी जी कुंडलपुर के बड़े बाबा की पहाड़ी चढ़ते चढ़ते बोल रहे थे, जिराफ देखा है कभी? हाँ महाराज, जिराफ तो देखा है। बोले, मादा जिराफ जब बच्चा पैदा करती है तो बैठ के नहीं करती, खड़े होकर के करती है, और खड़े होने पर
गर्भस्थ शिशु जब पहली बार ही, जिराफ कितना बड़ा होता है, पहली बार में ही वो उतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद पैदा होते साथ ही पहला धक्का, किस बात का? इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। गिराने के बाद भी मादा जिराफ बच्चे को चाटती नहीं है, पीछे की दो लात गिरे हुए बच्चे को तुरंत मारती है। फिर देखते हैं कि दो लात में बच्चा नहीं उठा तो दो लात और मारती है। गुरुदेव का अपना तरीका रहता था, जब कभी भी कोई बात कहते थे तो भी चेहरा थोड़ा सा मुस्कुरा के और एक आंख थोड़ी सी दबा के। गुरुदेव ने कहा कि दो लात फिर मारती है। क्या महाराज, सुन रहे हो कि नहीं? जी गुरुदेव। फिर वो गुरुदेव कहते हैं कि उसके बाद जब तीसरी बार दो लात मारती है तो बच्चा खड़ा हो जाता है। खड़ा होने पर मादा जिराफ उसको चाटेगी? अभी नहीं चाटेगी, अभी फिर दो लात मारेगी। क्यों? ऐसे पूछा गुरुदेव से। तो गुरुदेव कहते हैं इसलिए कि अभी तो दो दो लातें मार करके खड़ा किया है, अब दो लात मार करके दौड़ाना और सिखाना है इसको। क्योंकि जब तक हमारा बच्चा खड़ा होना और दौड़ना नहीं सीखेगा, मादा जिराफ को पता है कि जिस जंगल में बेटा हम और तुम रहते हैं, उस जंगल में कई सियार, कई लोमड़ी, कई शेर, कई लकड़बग्घे हैं। अगर बच्चे को समय से पहले खड़ा होना, समय से पहले चलना और समय से पहले दौड़ना नहीं सिखाया और प्यार दे दिया, तो तुमको बेटा कोई भी लकड़बग्घा खा जाएगा। जैसे वो मादा जिराफ अपने बच्चे को पैदा करते साथ ही दो दो लात मारती है और फिर खड़े होने के बावजूद चाटती नहीं, उसके बाद फिर दो लात मारती है कि दौड़ो, बच्चा दूर तक दौड़ता है तो मादा जिराफ पलट के थोड़ा सा देखती है तो फिर वो दौड़ करके उसके पास चला आता है, क्योंकि बच्चा भी दूर से देखता है कि मेरी माँ मुझे देख रही है कि नहीं। जैसे ही माँ की दृष्टि पड़ती है वैसे ही बच्चा फिर माँ के पास आता है, माँ फिर दो लात मारती है। बोले ये उदाहरण अपने दिमाग में रखना। इसीलिए जो बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठी होते हैं वो लाल एत न तो ताड़ एत दोनों करते हैं, वो लालन भी करते हैं और ताड़ना भी करते हैं। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि आज तो हम हैं, हमारे सामने खड़े हो जाओ, हमारे सामने दौड़ने लगो, तो जंगल में इस संसार में जो तरह तरह के जो दो लोग दूसरी लातें मारेंगे, उन लातों से बचने की ताकत तो तुम्हारी माँ ही सिखाएगी ना। और जब गुरु अपमान करता है तो दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा वाला अपमान लगता है। गुरुदेव ने कहा अब दुनिया में कोई भी अपमान करेगा इससे छोटा ही लगेगा, बड़ा तो नहीं लगेगा। इसलिए आप सबको तैयार करना भी एक जवाबदारी है। आपको लगता है कि मैं सबके सामने तेज बोलता हूं तो आपको बुरा बोलता हूं, रोते भी जाएं, भैयावती करते भी जा रहे हैं और गुरुदेव से कहते भी जा रहे हैं नहीं गुरुदेव। तभी धीरे से गुरुदेव ने अपने पैर का पंजा हाथ के तलवे मार करके इशारे से बताया, हो तो तुम मेरे लेकिन व्यवस्थाओं के तहत तो सब करना पड़ता है। और वो पंजे के स्पर्श से गुरुदेव ने अपने होने का एहसास दिलाया और सबके सामने डांट करके ये भी बताया कि अनुशासन के बिना संघ का संचालन संभव नहीं। क्या तरीके से सिखाते हैं। मैं सोचता हूं आप सब भी सोचते होंगे कि हमने गुरु को खोजा, आप सोचते होंगे कि हमने गुरु को पाया, हमारे पुण्य से हमको गुरु मिले, हमारे पुरुषार्थ से हमको गुरु मिले, हमारे खोजने से हमको गुरु मिले। ये सब भ्रम है। ना हमने गुरु को खोजा है, ना हमारे पल्ले में इतना पुण्य था और ना हमारी खोज का गुरु परिणाम थे। गुरु की खोज का परिणाम हम थे, हमारी खोज का परिणाम गुरु कभी नहीं हुए। हमने गुरु को नहीं खोजा, गुरु ने हमको खोजा है हजारों लाखों की भीड़ में। उस बात को मैं भूल नहीं सकता हूं और कहने में मुझे संकोच भी नहीं होता है। घर में था, जब घर में बहुत सारे सदस्य एक साथ रहते थे तो प्रसिद्धि थी मेरी। लोग कहते थे, घर के लोग
कि कोई भी काम बिगाड़ना है तो इसको दे दो। बोले बनता काम बिगाड़ देगा, ऐसा लड़का है ये। कोई भी काम देते थे तो रास्ते में से लोग झोला छुड़ा लेते थे, बोले तुमसे ना हुई है, तुम जाओ और पूरे पैसा बर्बाद करके चले आओ। जब घर में कई बार ऐसा सुनता था, आप लोग भी बोलते होंगे अपने बच्चों से कि इससे तो कोई काम, बोले कोई काम बिगाड़ने हैं तो फलाने को दे दो जो पूरा काम बिगाड़ के आ जाए। होता भी था, पता ही नहीं चलता था कब चांटे पड़ जाते थे, पता ही नहीं चलता था कब डांट पड़ जाती थी फालतू की बात में, कुछ बोला नहीं तो भी एक झापड़ खा लिया भैया, कभी गाल लाल कभी मुंह लाल। घर की प्रसिद्धि थी कि कोई भी काम बिगाड़ना है तो इसको दे दो। अब सोचो जहां पर संतान को पैदा करने वाले और पालने वाले लोग ही ऐसा बोलते हो कि कोई काम बिगाड़ना है तो इसको दे दो, उस वक्त हम गुरु को खाक खोजते, गुरु ने हमको खोजा, और खोज करके गुरुदेव क्या खोजते हैं, पूछा कैसे खोजते हैं आप, गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया को रियलिटी दिखाई देती है और हमको पॉसिबिलिटी। लोग देखते हैं कि ये वर्तमान में क्या है और मैं देखता हूं कि तुम भविष्य में क्या कर सकते हो। तो लोग तुम्हारा वर्तमान देखते हैं तो तुमको झटकारते हैं, दुत्कारते हैं, तुम्हारा गुरु तुम्हारा भविष्य देखता है, तुम्हारे अंदर की अनंत संभावनाओं को देखता है। और जो लोग कहते थे कि इसको कोई काम दे दो तो ये बिगाड़ देगा, उस बात को मिटा करके गुरुदेव ने ऐसा तैयार किया। फिर बाद में बोला कि देखो तुमको विदिशा का काम संभालना है, और विदिशा जैसे बड़े क्षेत्रों में भेजा, खजुराहो दिया, छतरपुर दिया, बंधा जी ऐसे क्षेत्र दिया, अपनी सेवा करने का मौका दिया। आज पलट करके अपने आप को देखता रहा तो सोचता रहा, कभी मुझको ही लोग कहते थे कि कोई काम बिगाड़ना है तो इसको दे दो, आज गुरुदेव विश्वास दिखाते हैं, समर्थन देते हैं कि कोई काम करेगा तो यही करेगा। ये जो लाइफ में चेंजेस हैं, ये चेंजेस हमने नहीं लाए, हमारे गुरु ने लाए। और अभी भी बहुत सारा परिवर्तन चाहिए, अभी भी बहुत सारी सुधार की अनगिनत संभावनाएं हैं इस व्यक्तित्व में। और भी कोई भी व्यक्ति साधना के मार्ग पर चलता है तो सफल व्यक्ति नहीं चलता, सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति चलता है। तो सफल व्यक्ति में और सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच में फर्क तो होता है। अगर हम ये सोचे कि मोक्ष मार्गी बन के पिचक मंडलू हाथ में लेकर के हम बहुत बड़े बाबा जी हो गए तो ये हमारा भी भ्रम है। आज भी अंतरात्मा कहती है कि सर्कस में तो एक चक्के की गाड़ी चलेगी विनम्र सागर, लेकिन तुमको तुम्हारे व्यवहारिक जीवन को, मानसिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों की चक्के की गाड़ी में जब तक तुम नहीं बैठोगे, गुरु एक गए हैं लेकिन हमको बुद्धिपूर्वक गुरुदेव के संकेत को पा करके अपने उन चारों चक्कों को फिर सही करके दोबारा आसन पर गुरुदेव को बैठाना है। और वे गुरुदेव मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज, जब गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि तुम्हारा अगला धर्म ध्यान द्रव्य रूप में, क्षेत्र रूप में, काल रूप में और भाव रूप में आपके निमित्त से होगा, संशय की तो कोई बात बचती ही कहां है। और अगर संशय होता है तो फिर गुरु भक्ति बचती कहां है। अगर हम ये सोचे कि कोई और में भी संभावनाएं हैं तो तुम्हारी आंख का हुनर कितना है, तुम देखना कितना जानते हो, तुम्हारा विजन कितना है, तुम्हारा विजडम कितना है। गुरु के विजन में और हमारे विजन में कोई अंतर नहीं है क्या? हमको तो बहुत सारे ताकतवर लोग दिखते हैं, इनके पास भी पावर होना चाहिए, इनके पास भी पावर होना चाहिए, इनके पास भी पावर होना चाहिए। विदाउट विजडम लोग आवाजें उठाते हैं, इनका भी सामर्थ्य है। जबकि एक बार आंख खोल करके देखना कि आचार्यों के पद पर बैठने वाले लोग कभी भी निजी प्रभावना नहीं करते। आचार्यों के पद पर बैठने वाला कोई भी साधु कभी ये नहीं कहता कि ये मैं कह रहा हूं। आचार्यों के पद पर बैठने वाले भगवान महावीर के मार्ग की प्रभावना करते हैं तो आचार्य के पद पर बैठते हैं।
जितने भी लोग पद पर बैठे हैं दुनिया में भी, आगे भी बैठना चाहते हैं बैठेंगे, उन सब के लिए गुरुदेव ने, गुरुदेव के संकेत हैं, गुरुदेव ही बोलते थे कि अपनी प्रभावना करना और मार्ग की प्रभावना करना दोनों में बहुत अंतर है। लोग अगर आपसे इसलिए आकृष्ट होते हैं कि आप इतने बड़े साधु हैं और आपने अगर उसका क्रेडिट ले लिया तो फिर तुमने अपनी प्रभावना तो करी लेकिन मार्ग की प्रभावना छोड़ दी। आचार्य परमेष्टि का काम पांच महाव्रतों की प्रभावना करने का है, जिनका अहिंसा, जिनकी अहिंसा पूरी दुनिया में सर चढ़ के बोलती हो। अभी तो आप लोग संयम की परिभाषा तक नहीं जानते, कुछ जानते हैं संयम के बारे में, बस यही पता है कि सफेद साड़ी पहन लो, पीछे का मंडल ले लो, या फिर दिगंबर मुद्रा ले लो, पीछे का मंडल ले लो, तो संयमी हो गए। लेकिन संयम के कई प्रकार, मैंने गुरुदेव को देखा कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरबार पर जाते थे और बहुत सारी भीड़ रहती थी। दो प्रकार का संयम है, एक उपेक्षा संयम, एक अपरहत संयम। अपरहत का मतलब बस वैसे जैसा अपहरण से अपरहत शब्द बना है, किसी को उठा के यहां से वहां कर दिया, बिना पूछे उठा दिया उसको, उसको जैसे अपहरण कहते हैं ऐसे उस संयम का नाम भी अपरहत संयम है। गुरुदेव को मैंने सैकड़ों बार देखा, कुंडलपुर के बड़े बाबा के पास गए, हाथ उठा करके अंजलि बना करके बाबा की अपनी पीछे से तीन परिक्रमा करके आरती करी, नीचे बैठने के हुए तो देखा कि चींटी चल रही है, चलती हुई चींटी को चाहते तो उस पीछे से थोड़ा सा किनारे करके बैठ जाते, लेकिन गुरुदेव दो कदम और आगे गए। क्या सोच करके कि अगर मैंने इसको इसके गंतव्य से इधर किया तो उसका अपहरण हो जाएगा। अहिंसा का राजमार्ग देखिए, आचार्य क्या गजब की अपनी शैली को अपनाते हैं कि चींटी को नहीं खिसकाया, वंदना करने के लिए खुद दो कदम आगे गए, आगे जाकर के देखा तो छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ था, फिर दो कदम गए, वहां जाकर के देखा तो थोड़े से घी गिरने के कारण चींटी की लाइन थोड़ी सी और चल रही थी। आचार्य सी अगले दो कदम जा करके जब उनको निर्दोष भूमि मिली, पहले आंख से देखा, फिर पीछे लगाई, मार्जन किया, फिर बैठ के बोले, भगवान कितना मुश्किल है आपको नमोस्तु करना भी, छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा सब आपके दरबार में बैठे रहते हैं। ये जो उपेक्षा संयम है, इस अहिंसा धर्म की प्रभावना करने वाले सिंहासन पर सुशोभित होते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। उनका सत्य उनके शब्दों से नहीं, उनके चारित्र से दिखाई देता है। उनका अचौर इतना गजब का है कि वो कहते हैं, गुरुदेव तो कितनी बार कहते थे कि देखो आप लोग प्रवचन करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, ठीक बात है, लेकिन ध्यान रखना जैन शासन में किसी की आस्था की चोरी भी चोरी मानी जाती है। तुम्हारे प्रवचनों से अगर किसी की आस्था चोरी हो गई तो भी तुमको चोरी का दोष लगेगा। ये जो गहरी समझ है, ये गहरी समझ कौन देता है? अपने मन से कभी ऐसा पैदा हुआ नहीं होता। हम तो प्रवचन देते हैं, लगता है कि जितने लोग इधर उधर सोचते थे, इधर उधर जाते थे, वे सब घूम करके हमारे पास आ जाएं, हमारी सुने, हमारी बात ही समझें, कहीं ना जाएं, ऐसा भाव भी कई बार हो जाता है। लेकिन गुरुदेव के शब्द थे कि आस्था की चोरी भी जैन शासन में चोरी मानी गई है। तब किसी से पूछा कि अरे जो मिथ्यात्म में है, जिसकी देव कुदेव कुशास्त्र कुगुरु में आस्था है, उसकी चोरी भी? बोले उसकी आस्था को चोरी नहीं करना, उसको सत्य का दर्शन कराना, लेकिन अनासक्त भाव से। गुरुदेव के शब्द थे साधक विषयों की ओर मुड़े ये तो पतन है ही, लेकिन अगर किसी को सुधारने का ठेका उठा ले ये भी किसी पतन से कम नहीं है। प्रवचनों में क्या हमने किसी को सुधारने का ठेका उठाया? नहीं, हमने अपनी बात कही, आपको अच्छी लगी तो आपने उस बात को सुनकर के स्वयं अपने आप को संवारा। देखो ना द्रव्य गुरु की कितनी कीमत है,
अगर द्रव्य से गुरु ना हो, शब्दों का गुरु ना हो, वचनों का गुरु ना हो, मन का गुरु ना हो, क्षेत्र का गुरु ना हो, काल का गुरु ना हो, तो भावों में क्या खाक कोई गुरु बैठेगा? हम कहते हैं कि हमारा धर्म भाव प्रधान है, एकांतवाद हमारे यहां तो है ही नहीं। जब आचार्यों ने स्वयं कहा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त बसात कर्मणा फल प्राप्ति हृदय, उदय किसका नाम है? साता को उदय करना है, साता चाहते हैं, लेकिन साता को चाहने के लिए द्रव्य भी मिलाना पड़ेगा, क्षेत्र भी मिलाना पड़ेगा, काल भी मिलाना पड़ेगा, भावों को भी मिलाना पड़ेगा, अपनी शक्ति को भी उसमें समाहित करना पड़ेगा, फिर अपने आप को खोजना पड़ेगा आंख बंद करके। बाद में पहले पुरुषार्थ करो, बाद में पुरुषार्थ की खुशबू का आनंद लो, फिर बाद में सोचो मैंने तो अपना पूरा पुरुषार्थ कर दिया है, अब मैं अध्यात्म में जाकर के थोड़ी सी समाई करके बैठता हूं तो संतुष्टि मिलेगी, नहीं तो अकर्मण्यता ही हाथ में दिखाई देगी। ये बात अगर आपको समझ में आए तो समझना बंधु। अगर लगता है कि भाव प्रधान धर्म है तो नहीं, हमको आज भी व्यवहारिक जीवन जीने में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के गुरु चाहिए। और उनके लिए जब पूज गुरुदेव ने स्वयं संकेत दिया है कि जिसकी अहिंसा चरम पर हो, जिसका अचौर चरम पर हो, जिसका ब्रह्मचर्य चरम पर हो, ब्रह्मचर्य भी चरम पर, जैसे मैंने गुरुदेव को देखा है ऐसी मैंने बड़े महर्षि समय सागर जी महाराज जी को देखा है। कोई भी माँ बहन कितनी भी गंभीर बात कर ले, मजाल है कि कभी आंख से आंख मिला करके वो बात करते हो। वो जो उनके जीवन का सौंदर्य है वो आज का नहीं है, 45 साल निकल गए उस आंखों से ब्रह्मचर्य को भी सुरक्षित रखने की साधना करने के। जो कोई ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन का व्यवहारिक सौंदर्य इतना अद्भुत और भयंकर है, कितना कठिन होता है ना, कोई प्रशंसा करे लगातार करे और करते हुए भी हम आंख उठा करके ये भी ना देखे कि प्रशंसा कौन कर रहा है। एक बार तो इच्छा होती है कि कान से फिर सुन ले, जैसे बिजली चढ़क तमक चमकती है, बस ऐसा एक बार देखा, हाँ ये बैठा है, कोई बैठी है महिला मान लीजिए, दोबारा पलट करके बड़े महर्षि की आंख उठा लेना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। कोई कहे कि हम देखो ऐसा करके दिखाते हैं, हंसी हंसी में भी जिन संतों ने 45 साल निकल गए लेकिन मर्यादाओं से कभी एक इंच भी पैर बाहर नहीं निकाला, ऐसे आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज जिनका वैभव, जिनकी साधना, जिनका शब्द सौंदर्य, जिनका भाव सौंदर्य, जिनका द्रव्य सौंदर्य, जिनका काल सौंदर्य हम सबको प्रभावित करता है। ऐसा दुनिया में कौन सा शख्स है जिसको समय सागर जी महाराज जी की पीठ देख करके ये भ्रम ना हुआ हो कि आचार्य जी जा रहे हैं कि समय सागर जी जा रहे हैं? किसको भ्रम नहीं हुआ? अच्छे अच्छों को भ्रम हो गया, अच्छे अच्छों को लगता है कि गुरुदेव है कि बाद में पता चलता है नहीं, उनकी छोटी प्रतिकृति जैसी है। गुरुदेव से कहा प्रतिकृति है, बोले नहीं ओरिजिनल कृति है, वो अपने हैं मैं अपना हूं, और दोनों अपने अपने हैं, लेकिन दोनों के ऊपर भगवान महावीर स्वामी के इस पवित्रतम शासन की जो कृपा है, गुरुओं की सेवा व्यवत्ति करके जो उन्होंने शासन से पाया है, तीर्थंकर के शासन को वृद्धिंगत किया है, और उसी शासन की वो कड़ी बने हैं जिस शासन में जम्बू स्वामी थे, जिस शासन में गौतम गणधर थे, गोविंद आचार्य महाराज थे, सुधर्माचार्य महाराज थे, श्रीधर केवली थे, आचार्य भद्रबाहु थे, आचार्य दर्शन मास्वामी थे, पुष्पन से भूतबली थे, जिस शासन में शांति सागर जी महाराज से लोहाचार थे, पूजपाद थे, कुंदकुंद थे, उनकी एक कड़ी में गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री भी, और उन्हीं कड़ी में एक कड़ी और जोड़ने का काम कर रहे हैं आज में वर्तमान के आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज। जितने भी महानतम आचार्य हैं अपने चिंतन को छोड़ करके सिर्फ आगम के चिंतन के साथ, जिनका उद्बोधन है, प्रवचन है, चर्या है, जिनकी अपनी एक सोच है, एक अपनी उदारवादी नीति है, और पूर्व आचार्यों के साथ साथ जिनके लिए कहा सगपर समय बिदलनु, एक शब्द दिया उनके सौंदर्य को विकसित करने वाला, कि जो ये जानते हैं कि संसार में क्या हो रहा है, अपनी प्रकृति में क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से शासन को चलाने के लिए
जैन शासन की सुरक्षा के लिए विशेष विशेष प्रकार के जो आयोजन और कर्तव्य करने में प्रवीण है। गौशाला का इतना बड़ा एक पूरा माहौल पूरे विश्व में बनाने का श्रेय गुरुदेव से शुरू होता है। पहले गाय रहती थी, वही पाली जाती थी जिनमें दूध देती थी। गुरुदेव ने कहा कि जो दूध नहीं देती हैं उनका जीवन रक्षक करना भी हमारा कर्तव्य है। पूरे देश और काल की स्थितियों को देख करके जब गौशालाओं को खोलने की बात की तो पिछले 15-17 साल लगातार गुरुदेव ने सिर्फ गौशाला पे काम किया और उसका एक ऐसा सुखद वातावरण बना कि आज 4 लाख से ऊपर गौवंश गुरुदेव के आशीर्वाद से सुरक्षित है। क्या गाय के ऊपर भी कोई धर्म देख सकता है? गाय में धर्म देखना, पत्थर में धर्म देखना, वनस्पति में धर्म देखना, ये जो विजन है, ये जो विजडम है, ये महापुरुषों का है। हमको तो जरा जरा सी बात में धर्म और अधर्म दोनों दिखाई देता है। जरा सी बात में राग द्वेष के झूले में झूल करके थोड़ा सा किसी ने राग का झूला झुलाया तो फूल के गुप्पा हो गए, किसी ने द्वेष के धक्का मारा तो मुंह सूज गया। दोनों होता है महाराज, लेकिन आचार्यों का कुछ नहीं होता। जैसे लालटेन के कांच के अंदर वो दीपक का प्रकाश टिमटिमा करके पूरी दुनिया को बिल्कुल जाज्वल्यमान निस्तरंगित होकर के प्रकाश देता है, आचार्यों के चेहरे में भी ऐसा ही रहता है। वे तरंगित हुए बिना 5 महाव्रत और महावीर की परंपराओं को आगे चलाने के लिए एक कड़ी का काम करते हैं। इसको कुछ कड़ा मत करिए, क्योंकि कड़ी भले अपने आप में कड़ी रहती हो लेकिन जब बनती है तो बहुत मृदुता के साथ अंदर तक आग पहुंचा पहुंचा के कूट पीट करके मोड़ करके फिर कड़ी बनती है। बंधुओं, वो कड़ी बनाने का कर्तव्य भी बड़े बड़े परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठियों का था, है, आगे भी रहेगा। गुरुदेव ने जो संकेत दिए कि बड़े महाराज श्री समय सागर जी महाराज जी जब शासन अधिपति बनेंगे, यह शासन और सुव्यवस्थित चलेगा। गुरुदेव तो ऐसा मुस्कुरा के बोले कि कितना वक्त लगा है इनको समझाने में और संभालने में, कितनी मेहनत करनी पड़ी तब जा करके इन्होंने थोड़ा बहुत दायित्व स्वीकार किया। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि बड़ी बड़ी जगहों पर बैठना तो सब चाहते हैं, दायित्व स्वीकार कोई नहीं करना चाहता। कंधे पर वजन रख के ये बात स्वीकार कर लेना कि शासन की रक्षा हम करेंगे तन से मन से धन से सबसे, ये कोई नहीं चाहता। शादी होती है, छोटे बच्चे पहले कपड़ा पहन के तैयार हो जाते हैं, हमको जाना है, हमको देखना है, हमको खाना है। बड़े बच्चे गंभीरता के साथ चुपचाप खड़े रहते हैं। पिताजी को देखा मैंने तो, जिसकी बच्ची की शादी होती है वो अंतिम समय तक शर्ट तक नहीं बदल पाता बेचारा। बोले क्या हुआ? काम में दायित्वों में इतने फंसे रहे कि भूल ही गए कि शर्ट किनारे से फटी भी है, इसी शर्ट में पूरी शादी संबंध कर दिए। छोटे छोटे बच्चे, उद्यमी बच्चे, हमको जाएंगे, हम करेंगे, हम देखेंगे, हम बैठेंगे। तो को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।